हेलो दोस्तों, मैं हूं तुषार साहू एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों जैसे कि आप अभी देख सकते हैं, हमारे साथ में है वीरेन जी। कैसे हैं आप? बढ़िया। और सभी फ्रेंड्स वगैरह हैं। और यहां पर देखिए, इनके पास में अभी एकदम लेटेस्ट मारुति इको स्टार गाड़ी है, जो कि व्हाइट कलर की आपको पीछे में देखने को मिलेगी। इसके अंदर सारी लेटेस्ट एक्सेसरीज अभी हम लोग इंस्टॉल करने वाले हैं भाई, तो वीडियो को आप आखिर तक देखिएगा। इसका फुल रिव्यू मैं आपको अभी वीडियो में बता रहा हूं। दोस्तों जैसे कि आप अभी देख रहे हैं, ये है हमारी एकदम लेटेस्ट मारुति इको स्टार गाड़ी, जो कि BS6 इंजन 2021 मॉडल है। लेटेस्ट अभी हमारे पास में शोरूम चाके यहाँ पर लगा हुआ है। और इस गाड़ी के अंदर अभी कुछ लेटेस्ट एसेसरी हम लोग इंस्टॉल करने वाले हैं, जिसके बारे में आपको बताने वाला हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस गाड़ी का जो ग्राफिक्स वर्क है, बहुत बढ़िया दिया है इस बार कंपनी ने। इको स्टार का इसके अंदर आपको ग्राफिक्स देखने को मिल जाता है। व्हाइट कलर की गाड़ी पर ये ग्राफिक्स एकदम उभर कर सामने आता है। लुक वाइज बहुत बढ़िया है। 5 सीटर ये गाड़ी है, इसको कन्वर्ट करेंगे हम लोग 7 सीटर में। पीछे में 2 सीटें हम लोग एक्स्ट्रा इंस्टॉल करने वाले हैं। अभी आप देख पाएंगे इस गाड़ी का जो लुक है, बहुत शानदार है। यहाँ आप देखेंगे कि आपको ग्लॉजी ब्लैक ABS कंपनी का मिल जाता है भाई, ये डोर वाइज़र, जो कि इंस्टॉल होने के बाद में कितना प्यारा लुक दे रहा है। आप देख पाएंगे इस गाड़ी का जो डोर वाइज़र है ब्लैक कलर का, यहाँ पर इंस्टॉल किया गया है। लुक वाइज बहुत बढ़िया है। और यदि आपको ये चाहिए तो बिल्कुल आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इस गाड़ी के अंदर अभी हम लोग इंस्टॉल करने वाले हैं बेस ट्यूब, साथ में करेंगे JVC कंपनी का सिंगल डिन स्टीरियो सिस्टम और बहुत सारी एसेसरी, जो कि अभी 1x1 इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर देखें, आप इस गाड़ी के व्हील कैप्स देखेंगे तो सिल्वर कलर के हैं, बहुत प्यारे लुक में ये मिल जाते हैं इको गाड़ी के लिए। और आप बिल्कुल इस तरीके के सिल्वर पैटर्न के वाइट कलर की गाड़ी पे जरूर इंस्टॉल करवाएं, इससे गाड़ी का जो लुक आता है वो बहुत शानदार आता है। अभी देखिए, वाइट कलर की गाड़ी, सिल्वर कलर के हमारे व्हील कैप्स लगे हुए हैं, जिससे इस गाड़ी का लुक और भी बढ़िया लगने लगा है। तो यदि आपने भी इको गाड़ी ली है तो उस तरीके के व्हील कैप्स आप लगवा सकते हैं। इसके अलावा बाद में बात करेंगे फुट स्टैप की, तो यहाँ पर देखिएगा ब्लैक एंड सिल्वर कॉम्बिनेशन का फुल मेटल का बना हुआ ये फुल फुट स्टैप यहाँ पर इंस्टॉल किया गया है। मजबूत भी है, लुक वाइज भी अच्छा लगता है और आफ्टर मार्केट आपको ये मिल जाता है। तो बिल्कुल आप भी इस तरीके का फुट स्टैप अपनी इको गाड़ी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे मड फ्लैप भी लगाया गया है, टायर्स के पास में कीचड़ वगैरह ना लगे उसके लिए ये मड फ्लैप लगाया गया है। इको गाड़ी के लिए प्रॉपर आता है आफ्टर मार्केट, इसे भी आप अपनी गाड़ी के अंदर भाई लगवा सकते हैं। तो फ्रंट और रियर दोनों साइड के लिए आता है, देखिए इसके ऊपर इको लिखा हुआ भी आता है, तो इस समय बढ़िया बात है, मतलब कंपनी की चीज़ लगती है तो बहुत बढ़िया दिखती भी है। एक्सटीरियर से ये एसेसरीज होगी भाई, इस गाड़ी का स्पॉइलर भी आता है वेलकम कंपनी का, वाइट कलर का मिलता है, वो आप लगवा सकते हैं। रियर साइड में यहाँ पर लगाया गया है भाई इसका बम्पर गार्ड, 1 पोल वाला है, बढ़िया है, मजबूत है, इस पर पैर रख के आप पीछे वाली सीटों में जा भी सकते हैं। तो मजबूत चीज़ है, इस तरीके का आप भी लगवा सकते हैं भाई अपनी इको गाड़ी के अंदर गार्ड। जैसे कि मैंने आपसे कहा था, ये हमारी 5 सीटर गाड़ी थी, उसको कन्वर्ट करके 7 सीटर में किया गया है। तो यहाँ पीछे में 2 सीटें अलग से इंस्टॉल की गई है, फोल्डेबल है, इसको फोल्ड करके आप बढ़िया से स्पेस बना सकते हो और उसमें सामान रख सकते हैं, और कभी आपको लगे पैसेंजर को बिठाना है तो उसमें बिठा भी सकते हैं। यहाँ पर आप देखें, मारुति कंपनी आपको ये देती है मटेरियल जो कि आप गाड़ी लेते हैं, और ये साफ़ वगैरह गाड़ी को साफ़ करने के लिए ये बढ़िया कॉटन रहता है, जिससे आप इसे गाड़ी को साफ़ कर सकते हैं। बाकी सारे टूल्स वगैरह तो आपको मिलते ही है गाड़ी के अंदर। कंपनी का मैट है ये, आप चाहे तो भाई आफ्टर मार्केट भी इसके अंदर मैटिंग बिछा सकते हैं, लेकिन कंपनी वाला मैट भी अच्छा है तो आप इसको भी चला सकते हैं। सामने में आप देखेंगे दोनों सीटों को हम लोगों ने इंस्टॉल कर दिया, 5 सीटर वाली जो गाड़ी थी उसको 7 सीटर में कन्वर्ट कर दिया है। यहाँ आप देखेंगे तो जो फ्रंट साइड में डैशबोर्ड है वो बहुत बढ़िया है। यहाँ पर आपको JVC कंपनी का सिंगल डिन स्टीरियो सिस्टम इंस्टॉल करके अभी मैं बताने वाला हूँ। साथ में हमारे डैशबोर्ड पे गणपति बप्पा यहाँ पर विराजमान है। जो कंपनी ने आपको डैशबोर्ड दिया है ड्यूअल टोन कलर में दिया है, क्रीम एंड ब्लैक कॉम्बिनेशन में। स्टीयरिंग व्हील जो है उसमें स्ट्रेचेबल वाला कवर लगाया गया है, जो कि ब्लैक कलर का आपको देखा को मिलेगा। सिलाई करके इसको लगाया जाता है, ग्रिपिंग बहुत बढ़िया आती है। साथ में आप चाहे तो इस गाड़ी के अंदर लगा सकते हैं भाई टॉवल सीट कवर। वैसे यहाँ पर लेदर सीट कवर्स लगाए गए हैं, जो कि ब्लैक एंड सिल्वर कॉम्बिनेशन के बहुत अट्रैक्टिव लुक देते हैं, और प्रॉपर सीट के लिए मिलता है आफ्टर मार्केट। आपको यदि चाहिए तो बिल्कुल आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। साथ में आप नज़र डालेंगे तो इस गाड़ी के अंदर फ्रंट साइड में 4 इंच के 2 स्पीकर इंस्टॉल होने वाले हैं डैशबोर्ड पर, और पीछे में होने वाला है भाई
सब में बढ़िया 8 इंच का बेस ट्यूब, और इसका साउंड टेस्ट में मैं आपको बताने वाला हूँ अभी। यहाँ आप देखेंगे इस गाड़ी के अंदर कंपनी ने आपको एंटीना नहीं दिया है, तो ये रेडियो एंटीना भी अभी हम लोग यहाँ पर देखिए इस जगह पर इंस्टॉल करेंगे, और इसका इंस्टॉलेशन भी आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आप भाई आखिरी तक देखिएगा, अभी बहुत सारी चीज़ें इस गाड़ी की मुझे आपको बतानी है। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर फ्रंट साइड से मैं लुक की बात करूँ तो लुक बहुत बढ़िया है, ब्लैक कलर का बम्पर आपको देखने को मिल जाता है, वाइट कलर की गाड़ी में ब्लैक कलर उठकर आता है। आप चाहे तो यहाँ पर स्टील वाला बम्पर गार्ड लगवा सकते हैं, फॉग लैम्प लगवा सकते हैं, या फिर इको गाड़ी का फुल क्रोम क्रोम किट कॉम्बो पैक आता है जिसमें सारे क्रोम एलिमेंट्स मिलते हैं, वो लगा सकते हैं, जिससे गाड़ी थोड़ी अट्रैक्टिव लगने लगती है। चलिए आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ने के बाद में यहाँ पर आप देखिए ये है हमारे पास में 8 इंच का मैक्सेल कंपनी का बेस ट्यूब, जो कि इनबिल्ट एम्पलीफायर के साथ में आता है। हमारा JVC का जो सिंगल डेन सिस्टम है उसके साथ में इसका कनेक्शन करेंगे, और उसके बाद में भाई मैं आपको इसका साउंड टेस्ट भी सुनाने वाला हूँ जब ये इसका बेस का पावर आपको सुनने को मिलेगा। यहाँ पर भी देखिए कंपनी की मैटिंग डली हुई है, और यहाँ आपको जो मैं चीज़ बताने वाला हूँ वो है भाई इस गाड़ी का JVC का सिंगल डिन स्टीरियो सिस्टम, जो कि ब्लूटूथ के साथ में आता है, और हैंड्स फ्री कॉलिंग फैसिलिटी भी इसके अंदर मिल जाती है। तो कभी भी गाड़ी आपकी चल रही हो और फ़ोन आ जाए तो बढ़िया उसको पिक कीजिए, माइक इसमें एक्सटर्नल लगा हुआ रहता है, गाड़ी चलाते चलाते आप बात भी कर सकते हैं। यहाँ आप देखिए हमारा पीछे जो है ये 8 इंच का इंस्टॉल होने वाला बेस ट्यूब, और इसको इंस्टॉल करने में भाई जगह वगैरह की प्रॉब्लम नहीं जाएगी, ईजिली जो मिडिल वाली सीट है उसके नीचे में ये इंस्टॉल हो जाता है, तो वो भी मैं बताऊंगा किस तरीके से इंस्टॉल होगा। अभी ये देखिएगा JVC का सिंगल डिन स्टूडियो सिस्टम है, छोटा सा डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाता है, ब्लूटूथ वाला है, साथ में इसके अंदर एक्सटर्नल माइक भी आपको मिल जाता है कंपनी से, जिसके थ्रू आप कॉल वगैरह की फैसिलिटी कर सकते हैं। फ्रंट साइड में 4 इंच के स्पीकर्स डाले गए हैं JBL कंपनी के, तो 2 स्पीकर और 1 बेस ट्यूब का पावर आपको इस गाड़ी के अंदर देखने को मिलेगा। अभी हम लोगों ने JVC कंपनी के सिंगल डिन स्टीरियो सिस्टम के साथ में इस बेस ट्यूब का कनेक्शन कर दिया है। कनेक्शन करने के लिए जो MKT लगती है, वायर्स लगते हैं, उसका कनेक्शन यहाँ पर किया गया है, जिससे आप कभी भी गाना बजाएंगे तो बेस चालू हो जाएगा। तो चलिए भाई वीडियो को आप आखिर तक देखिएगा, सब में पहले आप सुनिए इस बेस ट्यूब के बेस की पावर की क्वालिटी, तो हेडफोन लगा लीजिए और सुनिए इसका बेस का पावर, उसके बाद में नेक्स्ट एक्सेसरीज। Yeah.
दोस्तों, जैसे कि आपने अभी देखा, जिस गाड़ी का साउंड सिस्टम है बहुत बढ़िया है। 8 इंच का जो बेस ट्यूब है वो बहुत बढ़िया बेस आउटपुट में आपको दे रहा है। जैसे कि मैंने आपसे कहा था, इस गाड़ी के अंदर एंटीना भी लगाएंगे, तो देखिए ये एंटीना, रेडियो एंटीना यहाँ पर लगा दिया गया है। FM रेडियो बढ़िया, आप इजीली आप बिना रुकावट के आप सुन पाएंगे। तो ये रेडियो एंटीना यदि आपको चाहिए तो बिल्कुल मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये चीज़ भाई इको गाड़ी के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ होती है। तो अभी लुक देखिए, एक्सटीरियर लुक कितना प्यारा आ रहा है, ब्लैक कलर के डोर वाइजर्स में लगे हुए। और जैसे कि मैं आपसे बता रहा था, JVC का ये सिंगल डिन स्टोर सिस्टम यहाँ पर प्रॉपर इंस्टॉल हो चुका है। ब्लूटूथ के साथ में आता है, और इसके साथ में जो इनबिल्ट माइक आता है वो देखिए यहाँ पर डैशबोर्ड पे, ये इनबिल्ट माइक यहाँ पर लगाया गया। एक्सटर्नल माइक इसे कहा जाता है। कभी भी कॉल आ रहा है आपको, आप बढ़िया उसको रिसीव कीजिए और इस माइक के थ्रू सामने वालों को आपकी आवाज़ पहुंच जाएगी। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा भाई, मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा, और भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलता है ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।